नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 31 जुलाई, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 48,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन मिल रहे मामलों में स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है। बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को 637 मामलों की पुष्टि के बाद 29 जुलाई को 1445 मामलों की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर 2082 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 48,001 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिले की बात करें तो अररिया में 29, अरवल में 19, औरंगाबाद में 29, बांका में 23, बेगूसराय में 72, भागलपुर में 96, भोजपुर में 76, बक्सर में 52, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 140, गया में 66, गोपालगंज में 29, जमुई में 50, जहानाबाद में 17, कैमूर में 46, कटिहार में 32, खगड़िया में 44, किशनगंज में 29, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 7, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 21, नालंदा में 137, नवादा में 46, पटना में 411, पूर्णिया में 16, रोहतास में 105, सहरसा में 25, समस्तीपुर में 32, सारण में 79, शेखपुरा में 18, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 44, सुपौल में 57, वैशाली 71, पश्चिम चंपारण में 87। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 31,673 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 285 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में एक बार फिर से लगाया गया 16 दिन का लॉकडाउन। बीते दिन मीडिया में जारी गलत खबरों के बाद सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर 16 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार 1 से लेकर 16 अगस्त तक बिहार में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पहले के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके तहत सूबे में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्मस्थल को बंद किया जाएगा। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे और दुकानों के बंदिशें जारी रहेंगे। सरकारी और निजी दफ्तर में सिर्फ 50% कर्मचारी आएंगे और राज्य में बसें नहीं चलाई जाएंगी। टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं रहेगी। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पार्क और जिम जैसे संस्थान अभी नहीं खोले जाएंगे। वहीं पूरे बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद के नियमों का पालन किया जाएगा। पुलिस भवनों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही अहम बात। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अहम बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पुलिस भवन निर्माण निगम को इस शुभ उपलक्ष्य पर खूब सारी बधाई। इस तरह का काम हर साल किया जा रहा है और सरकार इसकी ओर लगातार कार्यरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 124 पुलिस भवन का उद्घाटन किया है, जबकि 96 भवन का उन्होंने शिलान्यास किया है। आज से महात्मा गांधी सेतु पुल पर गाड़ियों के परिचालन की होगी शुरुआत। महात्मा गांधी सेतु पुल पर लोगों की आवाजाही आज से शुरू हो जाएगी। उत्तर बिहार के जिलों की राजधानी पटना की सड़क के रास्ते जोड़ने वाले गांधी सेतु का पश्चिमी लेन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वहीं आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन करने के बाद परिचालन को शुरू करवा दिया जाएगा। लगभग 3 साल के इंतजार के बाद बने इस पुल की आयु 100 साल होगी। वहीं इस बार इस पुल का निर्माण सुपर स्ट्रक्चर यानी लोहा और स्टील की मदद से बनवाया गया है, जिससे उत्तर बिहार के लगभग 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद कोविड-19 की जांच ने पकड़ी रफ्तार। बार बार अधिकारियों को समझाने के बावजूद कोविड-19 की जांच की धीमी रफ्तार को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही सभी अधिकारियों की फटकार लगाई थी, जिसके बाद बिहार में जांच की संख्या तो बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी भी जांच की संख्या उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, मगर फिर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बीते दिन यानी 30 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट के अनुसार 24 घंटे में 20,801 सैंपल की जाँच हुई है। बिहार में 14 जिले बाढ़ से हैं पूरी तरीके से प्रभावित। कोविड-19 का प्रभाव झेल रहे बिहारवासी अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बिहार के कुल मिलाकर 14 जिले फिलहाल बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं, जिसमें 108 प्रखंड के 972 पंचायतें मौजूद हैं। इससे 40 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने इस बात की जानकारी दी है। साझा किए गए जानकारी के अनुसार अब तक बिहार के 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तर तक जलमग्न हो गए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे क्रांति प्रकाश झा की। टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड की गलियों में अपनी अदाकारी का परचम फहराने वाले क्रांति प्रकाश झा का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। क्रांति प्रकाश झा को साल 2016 में संतोष लाल के किरदार के लिए खूब सराहा गया था। संतोष लाल का किरदार उन्होंने एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में निभाया था। क्रांति प्रकाश झा ने अपनी पढ़ाई हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरी की थी। वहीं उन्होंने पूर्णिया में अपनी स्कूलिंग की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एड फिल्मों में काम करके किया था, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे एड में भी काम किया है। इतना ही क्रांति प्रकाश झा ने काशी, इन सर्च ऑफ गंगा, स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाला हाउस, देशवा, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार जैसी कई फिल्मों में काम किया है।
कोविड 19 के इस माहौल में निर्धारित समय पर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है निर्वाचन आयोग। बिहार में बेकाबू हो चुके कोविड 19 के माहौल के बीच नवंबर से पहले चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाने की पूरी तैयारी में जुटा है। इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी भी सभी से करने की अपील की है। इसको लेकर बिहार में 26 जून को सभी संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने के लिए निर्वाचन आयोग हर स्तर की तैयारी कर रहा है, इस बात की जानकारी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्चुअल चुनाव प्रचार का भी समर्थन किया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग को करारा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की जा रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मुंबई उच्च न्यायालय का रुख करने की अपील की है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई से जांच कराने के लिए मना कर दिया था। पटना रिंग रोड के पहले चरण की निविदा हुई जारी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बीते दिन जानकारी साझा करते हुए बताया है कि पटना में बनने वाले रिंग रोड के पहले चरण का टेंडर जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 39 किलोमीटर के 6 लेन सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, नंदकिशोर यादव ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना रिंग रोड के निर्माण के पहले चरण में कन्हौली में रामनगर तक के लिए जारी टेंडर की अंतिम तारीख 6 अगस्त 2020 है, जिसके बाद इस सड़क को बनाने का लक्ष्य 24 महीने का रखा गया है, जिसमें 823 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा लगाया जा रहा है। विराट अनुष्का बिहार के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आए आगे। पूरे देश में कोविड 19 से हालात दयनीय होती जा रही है। वहीं बाढ़ के कारण बिहार और असम में लाखों लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मदद के लिए आगे आए हैं। सोशल मीडिया के जरिए विराट ने बताया कि वो और अनुष्का 3 ऐसी संस्थान को आर्थिक सहयोग दे रहे हैं जो बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। विराट ने ट्वीट किया है कि हमारा देश अभी कोविड 19 से जूझ रहा है। इस बीच बिहार और असम में लोग भी बाढ़ से प्रभावित है। कई लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। हम प्रार्थना करते रहेंगे और काम करने वाले संगठनों का समर्थन करके उन लोगों की मदद कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने सभी युवा कार्यकर्ताओं को दी नसीहत। कोविड 19 के माहौल के बीच साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन भी करवाया जाना है, जिसकी तैयारी बिहार में जोर शोर से देखने को मिल रही है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी हर बूथ डिजिटल यूथ का मंत्र दिया है। इसके साथ ही उन्होंने युवा पार्टी कार्यकर्ता से आने वाले अगस्त महीने से वर्चुअल तौर पर जनसंवाद का आयोजन करने का आह्वान किया है। साथ ही कमल क्लब और डिजिटल योद्धाओं द्वारा संचालित इस मुहिम से बिहार के हर बूथ पर संगठन और अधिक सशक्त करने की बात को भी व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कोविड 19 योद्धा की तरह लोगों की सेवा के लिए अग्रसर होने की नसीहत दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विफलताओं पर रिसर्च पेपर लिखे जाने की कही बात। बिहार में कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव साथ ही बाढ़ की बढ़ रही परेशानियों को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कोविड 19 प्रबंधन में आपकी विफलताओं पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया अब 135 दिन बाद तो घर से बाहर निकलकर बाढ़ प्रभावित लाखों लोग, बिलखते बच्चे, बदहाल बुजुर्ग और मवेशियों की सुध लीजिए। सोनू सूद ने अपने ही जन्मदिन पर दिया प्रवासियों को बड़ा तोहफा। सोनू सूद लगातार कोविड 19 के इस माहौल में रियल लाइफ हीरो बनकर सबकी जिंदगी में आए हैं। प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने से लेकर हर एक परेशानी का हल निकालने में सोनू सूद लगातार लगे हुए हैं। वहीं अब सोनू सूद ने बीते दिन अपने 47वें जन्मदिन पर तोहफे के रूप में लोगों को एक नया ऐप दिया है, जिसका नाम प्रवासी रोजगार.com रखा गया है। इस ऐप के माध्यम से 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार हुआ है, इसकी जानकारी उन्होंने दी है, जिसके लिए APEC, CITI, ट्राइडेंट, क्वेस्टकॉर्प, अमेजोन, सोडेक्सो, अर्बन को, पोर्टिया का धन्यवाद करता हूं। पटना मेट्रो का काम बारिश और कोविड 19 के कारण हुआ बाधित। कोविड 19 की वजह से सभी काम काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। इसी क्रम में कोविड 19 ने अब अपनी चपेट में पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को भी ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश और कोविड 19 के कारण पटना मेट्रो के निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी हो गई है। बारिश और कोविड 19 के कारण काम काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना वासियों के 2024 तक मेट्रो में सफर करने का सपना फिलहाल थम सकता है। लेकिन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का दावा है कि काम तय समय पर पूरा हो जाएगा।
आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 8 लोगों की गई जान। बीते दिन आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 जिलों में 8 लोगों की जान चली गई है, जिसकी जानकारी IPRDA विभाग की तरफ से साझा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने की वजह से शेखपुरा में 3, जमुई में 3, सिवान में 1 और बेगूसराय में 1 व्यक्ति की जान चली गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश भी जारी किया है। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों को NDRF की टीम ने सुरक्षित निकाला बाहर। COVID-19 के इस माहौल में NDRF लगातार काम करके बाढ़ प्रभावितों को बाहर निकालने का काम कर रही है। साझा की गई जानकारी के अनुसार NDRF की टीम ने अब तक बाढ़ राहत एवं बचाव मुहिम के तहत 8,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। बेहटा में स्थित 9वीं बटालियन NDRF के कमांडेंट विजय सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर पश्चिमी चंपारण में तैनात 20 में से एक टीम को सिवान जिला में तैनात किया गया है। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर रविशंकर प्रसाद ने की प्रधान सचिव से बात। बिहार में COVID-19 के बेकाबू हो रहे मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। वहीं राजधानी पटना में हालात सबसे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। पटना में COVID-19 के लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीते दिन राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी के साथ बातचीत की है, जिसके दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार में COVID-19 टेस्ट की रफ्तार में तेजी आना अच्छी बात है और निजी अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने की अनुमति दिया जाना भी एक अच्छा कदम है। COVID-19 से ठीक हुए पुलिसकर्मियों की सूची हुई तैयार। COVID-19 प्रभावित पुलिसकर्मियों के प्लाज्मा से इलाज के लिए पुलिस मुख्यालय ने 2019 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की है। ADG अमित कुमार ने पत्र जारी किया है। ADG प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय के तमाम आला अधिकारियों के लिए जिले के SP को पत्र भेज दिया गया है, जिसके बाद अगर किसी भी पुलिसकर्मियों को प्लाज्मा की जरूरत होती है तो वो पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष पटना या DIG मानवाधिकार राजेश कुमार से संपर्क कर सकते हैं। ठीक हुए पुलिसकर्मियों की अपडेटेड सूची तैयार की गई है ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्लाज्मा का उपयोग किया जा सके। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में उर्वरक की कोई कमी नहीं होने का किया दावा। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने उर्वरक की कोई कमी नहीं होने का दावा किया है, जिसके तहत उन्होंने यूरिया और अन्य उर्वरकों के अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मगध प्रमंडल से संयुक्त निदेशक रतन भगत से प्रमंडल के 5 जिले गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद में खरीफ 2020 के लिए आवश्यक मात्रा एवं जिलों में उनकी उपलब्धता की जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराए जाने की बात कही है। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया है कि उर्वरक निर्धारित मूल्य पर किसानों को मिले, इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी उपयुक्त कदम उठाए। बीते दिन बाढ़ प्रभावितों से मिलने बाइक से पहुंचे पप्पू यादव। बिहार में प्राकृतिक आपदाओं के समय पर पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद करते नजर आए हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने भले ही सरकार की तरफ से कोई नहीं गया हो, मगर पप्पू यादव लगातार प्रभावितों के बीच में नजर आ रहे हैं। बीते दिन भी पप्पू यादव अपनी बाइक को लेकर हायाघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्या को जाना। साथ ही मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं का लाभ विस्थापित परिवार को नहीं मिल रहा है, सरकार आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाए। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी दो टूक नसीहत। चिराग पासवान आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए हैं। वहीं अब तक एक बार फिर से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो टूक नसीहत देते हुए बिहार की जनता को लेकर आगाह किया है। चिराग पासवान ने हाल ही में केंद्रीय योजनाओं को बिहार के लाभार्थियों तक नहीं पहुंचाने की बात कही है, जिसके लिए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी जारी की है। इस पत्र में शेखपुरा के वार्ड पार्षद संजय यादव का वीडियो भी जिक्र किया गया है। पूरा वीडियो देखने से लगता है कि संजय यादव को राशन मुहैया नहीं हुआ है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। सुशांत के पिता की मदद के लिए आगे आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बार बार विपक्षी दलों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हस्तक्षेप की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता की मदद करने की पहल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने उनके पिता का कानूनी तौर पर मदद करने का फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने के लिए कहा गया है। अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए नीतीश कुमार ने जाने माने एडवोकेट मुकुल रोहतगी की सहायता लेने का फैसला किया है, जिसके बाद अब्रिया चक्रवर्ती द्वारा इस मामले को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर करने की मांग के खिलाफ बिहार की तरफ से विरोध किया जाएगा। हार्दिक पांड्या बने बेटे के पिता। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बेटे का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पांड्या की पत्नी नताशा ने बीते दिन बेटे को जन्म दिया है, जिसकी जानकारी खुद हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर सभी फैंस के साथ साझा की है, जिसके बाद क्रिकेट जगत के कई लोगों ने भी हार्दिक पांड्या को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। पांड्या के पिता बनने पर कप्तान कोहली ने कहा कि नताशा और हार्दिक दोनों को बधाई। वहीं टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने पिता बनने के इस खास मौके पर हार्दिक को बधाई और नताशा को ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे।
व्हाट्सएप से जल्द ही अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेजेस। व्हाट्सएप जल्द ही एक नई फीचर को रोल कर रहा है जिसका नाम सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज होगा। इस फीचर की मदद से यूजर अपने भेजे गए मैसेज को डिलीट करने के लिए समय निर्धारित कर सकेंगे और तय समय के बाद भेजा गया मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा, जिसकी जानकारी वेब बीटा इन्फो के आधिकारिक ट्विटर से साझा की गई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस अपकमिंग फीचर के लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, जो कि एंड्रॉइड के बीटा वर्जन पर रोल किया जाएगा जिसमें मैसेज ऑटो डिलीट हो सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, शशि भूषण, उमेश यादव, रोमन कुमार, रंजीत मेहता, राहुल कुमार, काजल कुमारी, सुधा कुमारी, भारती, भवन, महेश कुमार, राजू कुमार दास, संजीव कुमार, कमला अग्रवाल, योगेंद्र कुमार, दिलीप सिंह, प्रीति सिंह, अनु कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 16 अगस्त तक लगाए गए लॉकडाउन का फैसला कोविड 19 के रोकथाम में कितना मददगार साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।